खरगापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम चौबारा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 27 दिसंबर से राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्वर्गीय श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा जी की स्मृति में 8वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश कार्यालय पर मंत्री हरिशंकर विश्वकर्मा ने चक्का गोई खेल ग्राउंड पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर बताया कि 7 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें राज्य स्तर की टीमें हिस्सा लेती हैं। टीमों को रुकने और खाने की व्यवस्था बराबर रहती है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाएगा और मैदान पर सैनिटाइजर मास्क की भरपूर व्यवस्था की जाएगी एवं मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। टूर्नामेंट के आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट में मंत्री विधायक के साथ कलेक्टर महोदय एवं SP महोदय को आमंत्रित किया जाता है। इस अवसर पर क्रिकेट टीम समिति के अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा एवं प्रमोद विश्वकर्मा मौजूद रहे। आज ग्राम चौबारा में हम कॉन्फ्रेंस मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यह कॉन्फ्रेंस 8 वर्षों से नियमित जो क्रिकेट क्लब समिति चौबारा आयोजन करती है, हम उस आयोजन के पक्ष में मीडिया से और हमारे क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु एवं इस आयोजन को विशाल रूप देकर के अगले जो 27 दिसंबर से प्रारंभ होता है और 5 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन होता है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट ये 8 वर्षों से जो खेला जा रहा है, इसमें भारी भारी टीमें हमारी खेलने के लिए आती हैं, उनके सारे इंतजाम होते हैं, हम समिति को आज से निर्देशित करते हैं, सारी व्यवस्थाएँ बनाई जाती हैं और ग्राउंड खेल का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड की भी व्यवस्था बनाने के लिए हम सभी को निर्देशित करते हैं। हमारा क्या क्या गतिविधियाँ आपकी तरफ से हैं? हमारी गतिविधियाँ हैं कि ये जो हमारी क्रिकेट क्लब चौबारा समिति है, इसमें जो समिति के हमारे सारे सदस्य हैं उस सदस्यों को सब काम बांटा जाता है, पानी की व्यवस्था, क्षेत्र में टीमों की व्यवस्था और ग्राउंड की व्यवस्था, सभी को व्यवस्थित लाइट की व्यवस्था, तो ये आयोजन हमारा सभी समिति की ओर से हम इसको संपन्न करते हैं। टीकमगढ़ से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय निर्धन दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।